युशु को और मुझे दोनों को मम्मी छोड़ के चली गई। मम्मी आएगी शाम को 8 बजे के आसपास, रात को 8 बजे के आसपास आएगी मम्मी। क्रिशु मम्मी छोड़ के चली गई, हम दोनों को, हम छो रहे थे, मम्मी चली गई। अगली बैठी सीट पे एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मजे में होगी। अभी सुबह के 10 बजे हैं और मैंने यहाँ पे बस ना हस्बैंड जी के लिए पानी लगाया है। एक्चुअली ना मैं अभी सो गई थी, मैं से बताऊँ तो 9 बजे सो गई थी, 9 से 10 बजे तक के लिए। सुबह वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी, उठ करके मैंने जो मेरा काम रहता है मैंने ना वो कर लिया था, सुबह का झाड़ू पोछा करना और पूजा, कृषि को नहलाना, ये सब कुछ मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैंने उनको नाश्ता करा दिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया था, हर्षित को भी नाश्ता करा दिया था। तो और ना फिर मैं सो गई थी थोड़ी सी देर के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो सो जाते हैं। तो फिर अभी जस्ट मैं उठी हूँ, इनको पानी लगाया है इधर। और पता है क्या हुआ कि ना कल हर्षित ने मुझे बिल्कुल बताया ही नहीं कि आज सैटरडे की ना छुट्टी है उसकी। उसने मुझे ना ऐसे बोला कि नहीं जाना है, मैं उसको बोल भी रही थी कि छुट्टी है क्या सैटरडे की, बोला कि नहीं सैटरडे को तो जाना है। और ना मैं उठ करके और मैं उसी हिसाब से काम करने लगी कि भाई जाना है तो फिर सुबह 6 बजे उठ करके बोलते हैं मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है, आराम आराम से काम कर लो, ऐसा है। तो फिर मैंने ना फिर मैंने आराम आराम से, मतलब आराम आराम से मतलब है कि ना एक दो एक्स्ट्रा कपड़े हो तो उनको धो लो सुबह के टाइम में, दोबारा में क्यों बैठो, ये रहता है। और अगर स्कूल जाना होता है तो फिर मैं हिसाब के कपड़े ही धोती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, कि इतना टाइम है तो इस टाइम में इतने ही कपड़े धुल सकते हैं, तो उस हिसाब से धोती हूँ। और अगर छुट्टी होती है तो मैं एक आध कपड़ा ज़्यादा भी धो लेती हूँ। तो ये था, तो फिर मैं ना उसने बोल दिया था, तो फिर मैं ना आराम आराम से करने लग गई थी। फिर 9 बजे तक है ना हर्षित का, मेरा, हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया था। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, पानी गर्म कर रही हूँ। तो मुझे ये देखना है कि किस बात की छुट्टी है, और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद मंडे की भी छुट्टी है। सो गाइज, मैं ना लेकर के बैठ गई हूँ हर्षित की डायरी, और ना इसमें हॉलीडे का ना नोटिस आया हुआ है, ये देखिए नोटिस। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ते हैं, इसके अंदर लिखा क्या है, और साथ ही आपको हर्षित की राइटिंग भी दिखाती हूँ कि वो कितने तरीके के कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस है ना मारता है। तो ये रही, अच्छा आज पीटीएम है आज, इसलिए छुट्टी है उसकी, आज सेकंड सैटरडे है क्या? अच्छा, और अच्छा मंडे को, अरे यार मंडे को है ना वो है चिल्ड्रंस डे। अच्छा ठीक है, क्योंकि ना क्रिशु के तो खाने का टाइम हो गया है, तो देख लेते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी है ना सब्जी रखी हुई है, कल बनाई थी ना शाही पनीर वही, तो मैं बस क्रिशु के लिए बनाऊंगी। आटा लगा ले रही हूँ, तो उनको है ना दही चीनी से दे दूँगी या रायता बनाऊँगी उनके लिए, ऐसा करती हूँ। और थोड़ा सा हलवा बना दूँगी उनके लिए। तो गाइस आटा तो लग गया है, अब मैं बस है ना रोटियां सेकना शुरू करती हूँ।
सो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ, तो मैंने रोटियों के लिए ना तवा तो चढ़ा दिया है, तो तवा जब तक गर्म हो रहा है ना इतनी देर में मैं प्लेट लगा ले रही हूँ क्रेशो के लिए। तो मैं आज ना दही चीनी से उनको भोग लगाऊंगी, क्योंकि हमारे लिए तो शाही पनीर रखा है और ज़्यादा दिन का है ना, फिर हर्षित को खिलाना ठीक नहीं तामसिक भोजन, तो इसलिए ना मैंने क्या सोचा है कि ना अभी सुबह के टाइम में कुछ नहीं बनाएंगे, शाम के टाइम में ही ना कुछ बनाएंगे दाल वगैरह। तो यहाँ पर मैंने दाल दही ले लिया था, उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है, और बस सबसे पहले दो गाय की रोटी सेकूँगी और उसके बाद में सबसे पहले क्रिशु के लिए ही रोटियां सेकूंगी। और वहां पर हर्षित भी भूख भूख कर रहा है, तो पहले क्रिशु के लिए रोटियां सेक देती हूं, फिर उसके बाद में हर्षित के लिए भी। गए थे तो वो ले आई हूँ मैं धूप में से, और देखा आपने कितनी अच्छी धूप पड़ रही है ना, सुबह शाम की ठंड है और दोपहर में धूप पड़ती है। सुबह सुबह तो स्वेटर पहनना पड़ता है और शाम के टाइम में भी स्वेटर पहनना पड़ता है, दोपहर में तो मैं उतार देती हूँ, और वैसे भी दोपहर में ये रहता है कि काम करते हैं तो अपने आप ही शरीर में गर्मी आ जाती है। अच्छा दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रीना गिरी, और कुछ दिन से उनकी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है और वो हॉस्पिटलाइज भी हैं, तो ना वो चाह रही थी कि मैं उनका ना वीडियो में नाम लूँ और उनके लिए प्रे भी करूँ। तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू उनको यही कहूँगी कि कृष्णा ब्लेस यू एंड गेट वेल सून। अभी ना रात के 9:30 हो रहे हैं, और मैं ना रात को ना 8 या 8:30, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक ना मैं कृष्णु को सुला देती हूँ। तो मैंने कृष्णु को यहाँ पर ना सुला दिया है, और आप लोगों से एक बात भी शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन टाइम पहले, मतलब कि जो ये देवउठनी एकादशी गई थी ना, उस दिन मेरी मौसी है जो हैं वो एक्सपायर हो गई थी, वो वैकुंठ धाम को सिधार गए थे। मतलब कि ना जो मेरी मम्मी और 5 बहनें हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ी बड़ी वाली मौसी हैं, उन वो एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे है ना जाना पड़ा था वहाँ पर है ना उनके पास में। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, तो उस टाइम पर ना हर्षित ने जो कृषु की सेवा पूजा करी, उसके लिए मैं ना हर्षित को भी है ना यहाँ पर है ना थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ से जब भी फ़ोन कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मैं स्कूल गया था, स्कूल जा रहा हूँ। पहले मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर मैंने मुझे मालूम था कि वो 2:10 तक आ जाएगा, तो मैंने 2:10 के बाद में फ़ोन करा 2:30 बजे के आसपास, तो उसने कहा कि मम्मी मैं स्कूल से आ गया हूँ और अम्मा ने मुझे खाना खिला दिया है, मैंने खाना खा लिया है। और मैं जब स्कूल गया था ना, तो मैं कृषु को बोल के गया था, और आने के बाद में मैंने कृषु को प्यार किया, मैंने कृष्णु को ना खाना भी खिला दिया है, और फिर जब ना शाम के टाइम में मैं उसको याद दिलाने के लिए फ़ोन कर रही थी कि हर्षित है ना दोनों वक्त मिल गए हैं बेटा, आरती कर देना, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा दूर था, मतलब कि टाइम लग रहा था वहाँ पर। कृषु को और मुझे दोनों को मम्मी छोड़ के चली गई, मम्मी आएगी शाम को 8 बजे के आसपास, रात को 8 बजे के आसपास आएगी मम्मी। कृषु मम्मी छोड़ के चली गई, हम दोनों को हम छो रहे थे, मम्मी चली गई। खिचू खिचू भाई छोटा भाई। तो फिर ना तो हर्षित है ना वहाँ यहाँ पर ना उसने ना जब मैंने जब फ़ोन किया तो वो मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं आरती कर रहा हूँ, मतलब कि उसने टाइम से मतलब मेरे कहने से पहले उसने आरती भी कर दी।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हर्षित ना इतना ध्यान रखता है अपने भाई का, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ में ये बात शेयर करूं। आपको एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि है ना, मैं ना जब भी कुछ भी पूजा करती हूँ ना, जैसे मैं गीता का पाठ कर रही हूँ या कोई श्लोक याद कर रही हूँ, तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ। आपको पता है क्यों? ताकि हर्षित के कानों में जाए और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके कानों में भी जाए। लेकिन स्पेशली मेरा इंटेंशन यही रहता है कि हर्षित के कानों में जाए, और जो वो मुझे पूजा करते हुए देखता है तो उसने उसके अकॉर्डिंग पूजा कर ली। अब वो मुझे नहीं मालूम कि उसने कैसे करी, लेकिन उसका भाव अच्छा रहा होगा ये मुझे मालूम है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये तो अब इस वीडियो को भी मैं ना बस इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और हाँ, अपने में से किसी ने कहा था कि ना मैं तुलसा जी के गमले पे ना थोड़ा कलर वगैरह कर लूँगी तो वो ना और अच्छे लगेगा, तो मैंने सोचा है कि मैं ना कलर कर लूँगी। तो देखते हैं, मैं इनको बोलूँगी कि वो कुछ कलर्स वगैरह ले आएँ ताकि मैं गमले पर कलर कर दूँ। और लिटरली वो गमला है ना, मतलब अभी थोड़ा ऐसा अजीब सा ही लग रहा था जब मैंने ना एकादशी वाले ब्लॉग में दिखाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।